उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार में विकास का जमकर बखान किया जा रहा है। वहीं कई ग्राम पंचायत में ना तो बारात घर बनवाए गए हैं और ना ही श्मशान गृह का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम प्रधानों की अगर माने तो सरकारी धन के अभाव के चलते ना तो अभी तक श्मशान का निर्माण किया जा सका है। मामला जनपद महोबा के विकास खंड कबरई के पचहरा गांव से सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान उर्मिला वर्मा द्वारा लगातार विकास तो कराया जा रहा लेकिन सरकारी पैसे के अभाव में श्मशान और बारात घर का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। ग्राम प्रधान की अगर माने तो पंचायत घर में बेहतर काम कराकर गांव को नई सौगात दी जा रही है। सरकार विकास को लेकर तमाम वादे तो कर रही लेकिन ग्राम प्रधानों को दिए जाने वाले सरकारी बजट में खासी कटौती की जा रही है, जिसके चलते गांव को विकास की वह गति नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए। गांव में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर उनको उनके खेत में शवदाह करना पड़ता है, जिसे सिर्फ मजबूरी ही कहा जा सकता है। कबरई विकासखंड के पचहरा गांव में प्रधान को जिला प्रशासन ने लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं के रखरखाव का जिम्मा दे रखा है, जिसका संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। उनके खान पान का प्रबंध करने के साथ ही बेहतर रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर दे रखी गई है। समय समय पर पशु चिकित्सक बुलाकर पशुओं का नियमित चेकअप कराया जा रहा है, जबकि सरकारी फंड के नाम और विकास कराने के लिए सरकारी पैसे में खास कमी कर रखी गई है। अब ऐसे हालातों में गांव का विकास हो भी तो कैसे? जी अभी तो मैंने गौशाला मेंटेन की है, अभी तक गौशाला ऐसी पड़ी थी खंडर पूरी, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं था, तो उसमें टीन सेट और बोर की व्यवस्था, वहाँ पूरी पानी की व्यवस्था, चराई की व्यवस्था, गेटेड नहीं था पूरा, वो जाली आली सब कंप्लीट करके वो गौशाला मेंटेन की है। इसके बाद पंचायत भवन है, पूरा खंडर पड़ा था, उसमें पूरी टाइल्सीकरण, पूरे सुंदरीकरण उसको कंप्लीट करवाया। जो सामुदायिक शौचालय है वो लिखा होगा अच्छे से अच्छा मैंने बनवाया, ठीक है। अभी एक CST सेंटर बन रहा है, उसमें अभी निर्माण चल रहा है। लंबी बारिश का यहाँ पे बीमारी का सेंटर बनाया गया है, जो यहाँ नवीन मंडी है उसमें रखे गए हैं, तो अगर पास के जितने भी बीमार पशु हैं तो वहाँ पे रखे गए, उनको रख रखाव करना, मेंटेन करना, अधिकारियों ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो उसको हम अपने नियमानुसार उसको भरपूर ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। गाँव में मोक्षधाम नहीं है तो मोक्षधाम बहुत ज़रूरी है, और बरातशाला है तो बरातशाला की बहुत जनता को मांग है, तो इस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनवाने के लिए प्रयासरत। जनता से स्वच्छ भारत के अनुसार ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें अपने घर की, आंगन की, रास्ताओं की, और लगातार मैं तो सफाई कर्मी के माध्यम से करवा ही रहा हूँ, लेकिन जनता से यही है कि स्वच्छ और मतलब सुंदर तरीके से आप रहें और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, पॉलीथीन एक ही जगह मतलब जो बनाए गए हैं वो उसमें डालें। हाँ, बजट के मामले में तो बहुत ही कम बजट आ रहा है, जिस तरीके से बजट आ रहा है उस तरीके से हम विकास कर रहे हैं। अब जैसे बजट सरकार आगे बढ़ाएगी उस हिसाब से हम काम आगे बढ़ाएंगे तेज़ी से।